तो हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमानत रेसिपी पे। आप देख रहे हैं अमानत रेसिपी यूट्यूब चैनल, जिसपे आपको अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने को मिलेगी। और अभी हमने बनाए हैं, देख लो, मीठा पुलाव बहुत ही शानदार और बहुत ही डिलीशियस रेडी हुआ है। तो आज हम ये बनाना सिखाएंगे आप किस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं वो वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमने कढ़ाई में पानी डाल लिया है, ठीक है, पानी डाल लिया, और पानी को हम बॉयल करेंगे, मीन्स गर्म करेंगे पानी, ठीक है। पानी को गर्म करेंगे, और ये हमारे पास शुद्ध बासमती चावल है, ठीक है, जो कि मार्केट में 100-120 रुपये किलो अवेलेबल हो जाते हैं, यानी बढ़िया वाले चावल, इसको हम बनाने वाले हैं। और इसको हम बोलते हैं जर्दा पुलाव या मीठा पुलाव, जो भी है। तो इसमें हम ले रहे हैं कम से कम 800 ग्राम बासमती चावल और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स में हम काजू और ये किशमिश लिया है, ठीक है। उसको जब तक पानी बॉयल हो रहा है हम इसको बारीक बारीक काटेंगे, ठीक है, काट के पीस बना सकते हैं आप, यानी कि इसको साबत भी ऐड कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। और हमने लिया है 800 ग्राम चावल और कुछ ये ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं, और एक कढ़ाई में आपने देख ही लिया पानी बॉयल हो रहा है, ठीक है। और इस अब ये हमने जो चावल थे उनको अच्छी तरह से ठंडे पानी में, यानी कि भिगो के धो लेने, धोने के बाद कुछ हमने लिया, देखो चीनी लिया है जितना, यानी कि चावल का वेट है उतना ही हमारा चीनी का वेट रहेगा, ठीक है। भिगो के चावल धोने के बाद हम उस बॉइलिंग पानी में डाल देंगे, ठीक है, बॉइलिंग पानी में डाल देंगे, और कुछ देर के लिए उसको उबलने देंगे, जिस जब तक चावल पक ना जाए पूरा, यानी कि उबल ना जाए, ठीक है, हिलाते जाएंगे। और हाँ दोस्तों, ये हमने जो बनाया है रेसिपी, इसको यानी देसी घी के अंदर बनाया है, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आप बनाते हो उस तरीके से बना सकते हैं। और इसमें हमने थोड़ा सा यानी फूड कलर ऐड किया है, जो उबल रहा है पानी और उसमें हमने चावल उबालने हैं, उसमें फूड कलर ऐड कर दिए गए हैं, ताकि जो पुलाव है चावल का कलर है वो थोड़ा सा हल्का चेंज हो जाए, और दिखने में भी थोड़ा डिलीशियस लगेगा। और इसका कोई और अब हमारे ये चावल हैं जो यानी कि उबल चुके हैं पूरी तरह, यानी कि पक चुके हैं, आप यानी कि चम्मच से निकाल के देख सकते हैं हाथों से। और ये अलग अलग इसको हम छान लेंगे, किसी टोकरी या जो भी छानने वाला कोई भी आइटम हो उसे छान लेंगे, और उसको एक अलग, जैसे खुला हो बर्तन, खुला बर्तन उसके अंदर हम डाल लेंगे इसको, चावल को। आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग एक एक पीस हो रखा है इसका, क्योंकि ये बढ़िया वाले चावल है, ठीक है। तो अब हम इसको यानी कि जिसका जो अंदर का पानी है वो सारा इसका यानी कि छोड़ देगा, चावल जितने भी है वो छोड़ देगा। अब हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डाला है देसी घी कम से कम 150 ग्राम, यानी कि 800 ग्राम चावल थे उसमें 150 ग्राम हमने ये देसी घी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे जैसे कि सौंफ और इलायची, उसको हल्का सा भुनेंगे घी के अंदर, हल्का सा भुनेंगे, ज़्यादा ज़्यादा यानी कि भुनने से तो ये ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे, जल जाएंगे, तो इस तरीके से हल्का यानी कि इसको भुनेंगे, और इसके अंदर हम ये जो चावल हैं वो ऐड कर देंगे। चावल ऐड इसलिए इसमें करेंगे घी के अंदर, ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो सोख लेगा, और पूरा यानी कि इसमें घी से फ्राई हो जाएगा ये पूरा चावल। आप देख सकते हैं एक एक यानी कि इसका पीस अलग अलग नज़र आ रहा है, ठीक है, अलग अलग नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये रेसिपी, ये चावल जो जर्दा पुलाव बहुत ही डिलीशियस बनने वाला है, ठीक है। और जब तक ये बन रहा है तब तक आप ऐसा करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हमने अब इसमें चीनी भी डाल दी है, चीनी डाल दी, और हल्का हल्का हिलाएंगे इसको, और तब तक यानी कि इसको फ्राई होने देंगे, तब तक वैसे तो चावल हमारे पके हुए हैं, उबले हुए हैं पूरा, ठीक है, लेकिन हमने इसको घी के अंदर फ्राई करना है, ताकि इसके अंदर बचा कुचा पानी है जो यानी कि सोख ले, ठीक है। और जो हमने चीनी डाली है वो भी इसमें अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है, इसको मिक्स होने देंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए, इसको मिक्स होने देंगे, और ये इसमें यानी कि हल्का फुल्का ये जो चम्मच है वो खिलाते रहेंगे, ताकि नीचे से पकड़े ना कड़ाए। और इसमें हम ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे 15-20 मिनट के बाद,
ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद इसको फिर से थोड़ा सा मिक्स करेंगे 5 मिनट के लिए। यानी कि मिक्स करने के बाद ड्राई फ्रूट को भी यानी कि इसमें हिला दें, मिक्स कर दें और 5 मिनट के लिए आंच पे चलने दें इसको, ताकि थोड़ा थोड़ा ये जो ड्राई फ्रूट होते हैं उसके अंदर भी और जो राइस का जो टेस्ट है वो ड्राई फ्रूट का जो टेस्ट है वो थोड़ा थोड़ा यानी मिक्स हो जाए, एक जैसा लगे। तो दोस्तों ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पानी था इसके अंदर, जो भी पानी था, बचा कुचा पानी था, वो घी में फ्राई करने से ये सोख चुका है। और अब हम इसको सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं ये सर्व कर रहे हैं हम, और आप देख सकते हैं कितनी शानदार, कितना शानदार और डिलीशियस नज़र आ रहा है। देखने से ही इस चावल की जो जो हमने रेसिपी बनाई है उसकी सुंदरता नज़र आ रही है। तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपी नहीं बनानी आती, हम ज़रूर ट्राई करेंगे, हम ज़रूर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो आप हमारी सपोर्ट करिए, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो जरूर लेके आएंगे। थैंक यू, तब तक के लिए।